अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। मिसाक मईशत हो जाने के बाद एहतसाब का क्या बनेगा? डॉक्टर शाहिद मसूद के एक इंकशाफ ने खलबली मचा दी। सीनियर तजिया कार और एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि मिसाक मईशत हो जाने के बाद भी एहतसाब का अमर नहीं रुकेगा। GNN के प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजिया कार और एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि शहबाज शरीफ ने सबसे पहले मिसाक मईशत पर बात की थी और उस मामलात पर शहबाज शरीफ का किरदार बड़ा अहम था। डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत पर इमरान खान मुतफिक हो चुकी हैं और आसिफ जरदारी ने भी कहा है कि बात आगे चलाओ। उनका कहना था कि अगर मिसाक मईशत हो गया तो एहतसाब नहीं रुकेगा, एहतसाब रियासी अदारों ने करना है और हमारे फैसले अदालतों ने करने हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमतें तो आती जाती हैं लेकिन हमें अब अदारों को मजबूत करना होगा। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि आज ही नैब ने वफाकी वजीर को बाकायदा नोटिस भेजा कि आपने ये बात कैसे कर दी कि एहतसाब हमने करना है, एहतसाब तो नैब करेगी। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखती हैं? अपनी राय के इस खार में कमेंट बॉक्स में दें। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।